जमील कचौरी वाले हैं जी, बहुत मशहूर हैं। ये धर्मपुरा मेन बाज़ार के आखिर में गुज्जर चौक है, उससे आप लेफ़्ट हो जाएं तो नई आबादी में ये दुकान है। ये गुज़श्ता 25 साल से यहाँ पर ये कचौरी लगा रहे हैं। ऐसी कचौरी लाहौर में एक और जगह है फैज़ बाग डुमरिया पुल के पास, ये उनके भाई वहाँ लगाते हैं। मैंने ऐसी कचौरी लाहौर में और कहीं नहीं देखी। कितना अर्सा हो गया आपको? 30 साल। सबसे पहली 2 रुपए में शुरू की थी या 1 रुपए में? दोनों ही बेटे शोको तो डरा ला कौन बेटा? वो भी बेटा जी। अच्छा, तो ठीक है, गुजारा अपना, अल्लाह का शुक्र है। तो नाम तो कोई नहीं रखा आपने? रखा है, तो बोंग पाए के हिसाब से बोंग पाए सब्जी में लगा के अपने नहीं लगा रहे हो? अच्छा, तो आप शुरू के यहीं के रहने वाले? मैं सिंध से रहने वाला। सिंध के? हाँ, कराची की। हाँ, लेकिन आपको आए भी तो 30-40 साल हो गए। हाँ, 31 साल तो हो गए मुझे आए। खुदाबख्श तो फोत हो गया। खुदाबख्श फोत हो गया। हाँ, मुन्ना भी फोत हो गया? मुन्ना है, मुन्ना है मुझे पागल है। नहीं नहीं, मुन्ना भी फोत हो गया। मुन्ना भी फोत हो गया। हाँ, भाई बची है वो। अच्छा, हाँ। तो ये आप इसको कचौरी कहते हैं? हाँ। अच्छा, वहाँ बड़ी सिंध में बिकती है ये। अच्छा, हाँ, सिंध में बिकती है ये, कचौरी कहते हैं। यहाँ भाई लगाता है मेरा। कहाँ पे? कहाँ पे? फैजबाग। फैजबाग के ऊपर। अच्छा, ये अगर दो मुरिया पुल से अंदर जाएँ? अंदर जाओगे ना दो वहाँ लगा। अच्छा अच्छा, यहाँ मेरा बेटा रहा। अच्छा, हाँ, ये होटल पे नहीं, हमने तो आपसे ही खाई, 2 रुपए से खाई, 1 रुपए से खाई। हाँ, मेरी ये पीछे ये मलिक रियाज नहीं? हाँ, उस गली में हमारी रहायश। अच्छा, मस्जिद के सामने। अच्छा, हम यहीं के पैदाशी हैं। कोई यहाँ से ये लोग दूर चले थे ना, वो भी आते हैं? मैंने एक दो बनाना ये देखेंगे। ये पेड़े वगैरह घर से तैयार कर लेते हैं सर, मछियाँ आके फिर फ्राई कर लेंगे। घास को गर्म गर्म मिल जाती है, ये हो जाती है बेकार हो जाती है। अब ये घास को गर्म गर्म मिल जाती है। अच्छा, घास आते हो गर्म गर्म आप दे देते हैं? कच्चा कच्चा दे देते हैं उसी रेट पर। हाँ, इस तरह पेड़े अगर आपसे लेने हो पेड़े दे देंगे बगैर तले हुए, ताकि बंदा घर जाए तो ताज़ा ताज़ा बना ले। हाँ, अपने से आप फ्राई करके ले जाओ घर पर कर लो। हाँ, चले बंदा खुद भी कर लेते। हाँ, ले जाते हैं लोग घर, खुद ही बना लेते हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील, मैं इधर कहीं हूँ, मेरा बचपन भी गुजरा, सारा इधर गुजरा, जवान हुए इधर ही बचपन से। अच्छा, इधर एक होता था सूखा, हाँ, दौड़ लगाता था,
जब हम छोटे थे तो ऐसे 50-60 साल पुरानी थी मशरूकत, ये नई आबादी नहीं थी ये सारी, कोई कोई था ये अंदर मुझको अंदर स्कूल है ना एक झुग्गियों वाला स्कूल का था इस तरफ है, हाँ जी इस तरफ वहीं भी हम आते थे सारे। हम जब यहाँ आए ना ये आबादी हो गई थी। आप तो खैर लेना है ना, हम तो 60 साल पुरानी बात बता रहे हैं। हमारा जिस वक्त आया तो हमने ये गुलशन कॉलोनी में जब बनाया था ना उस वक्त तो ये आगे सारे खेत थे जो बच्चे थे और हमारे घर के दरमियान ना यही सुना ये खेत थे। ये लोग रात में जाते नहीं थे? हाँ जी नहीं जाते, शाम में भी जाते थे। हाँ हाँ, क्योंकि हमें लूटना नहीं लूटना आबादी नहीं थी। सुना है मैंने, हमने देखा भी। हाँ आपने देखा। हाँ तो ये मैंने ना लालू खेत में खाई है। अच्छा, कराची में बहुत बिकती है? बहुत बिकती है, वहाँ जाते रहते हैं हमारे काफ़ी अजीब हैं। यहाँ चले साथ है ना वहाँ आलू होते हैं। हाँ जी ये सही है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सही है। चले भी डालते हैं, वो सिर्फ आलू देते हैं, आलू की भाजी है। आलू की भाजी बोलते हैं भाजी। हाँ जी, कराची वाले भी आते हैं यहाँ, यहाँ काफ़ी लोग हैं रिश्तेदार आते हैं, कचौड़ी खाते हैं वाली। मैं अपने दोस्तों को लाया था। अच्छा, अभी मैंने अपना घर उधर ताजबाग की तरफ बनाया। अच्छा, तो मैंने दो दोस्तों को इधर लाया था, हालांकि वो बड़ा खाने वाली चीज़ें, मैंने कहा मैं तो आपको कचौड़ी खिलाऊँ। कहते किधर, वो मैं गलियों में ले आया। कहते इधर किधर, मैं तुम खाओ। वो कहता है मैंने लेकर जाना है। अच्छा, मैंने कहा अभी तो ना लेके जाओ, फिर कभी आना, अभी हमने फिर कहीं और जाना था। अच्छा, वो कोई इसका नहीं पता था। नहीं, हम ऑर्डर भी बनाते। अच्छा, ऑर्डर भी जाते कोई दे दे याद हो। घर जाके तो नहीं बनाते? हम घर जाके बनाते, शादी के या किसी सालगिरह के फंक्शन पे, सालगिरह है या मेहंदी वगैरह है। हाँ हाँ, कुछ भी जाते। अच्छा, Okay.